नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यो स्मार्ट न्यूज चैनल में। बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर सरकार ने कई राज्यों में अलग अलग प्रतिबंधों को लागू किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में जी हां दोस्तों, एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और DDMA के द्वारा, यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है दिल्ली की, वहां से जो एक बड़ा अपडेट निकल के आया है कि दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन और बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए सरकार ने कुछ नए प्रतिबंध लागू किए, जिनमें सबसे पहला प्रतिबंध है सभी होटल को बंद करने का। सभी रेस्टोरेंट बंद होंगे, सभी बार बंद होंगे और सभी प्राइवेट ऑफिसेस। जी हाँ, सबसे बड़ा जो धक्का लगा है आम जनता को वो ये है कि सभी प्राइवेट ऑफिसेस बंद किए जाएंगे। अब इन प्राइवेट ऑफिस पे काम करने वाले तमाम लोगों को अब जो है वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दी गई है, यानी कि आप घर से काम कर सकते हैं लेकिन आप अब घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इसके मद्देनजर कई राज्यों में, जी हाँ सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई कोलकाता जैसे राज्यों में भी जो है शहरों में काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन तमाम शहरों में भी प्रतिबंध को और ज्यादा कठोर करने का निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन दिल्ली ने सबसे पहला निर्णय लिया और आज दिल्ली में तत्काल प्रभाव से सब कुछ हो गया है बंद। इसके बाद सबसे बड़ा फैसला कि यहाँ पे जो पलायन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जनता और जो मजदूर प्रवासी लोग हैं जो अन्य राज्यों से आते हैं दिल्ली में अपने रोजगार की तलाश में, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि आखिरकार उनका जीवन यापन कैसे होगा, सरकार इस बारे में कब सोचेगी। फिलहाल बड़ी तेजी के साथ बस अड्डों पर, ट्रेनों में, कई जगहों पर देखने को मिल रहा है लोग अपने अपने घर लौटने के तैयार हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में। जय हिंद।